वैसे बहुत से लोग हैं जो सिगरेट शौक के तौर पे पीना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो एडिक्टेड हो जाते हैं और सिगरेट छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो चाहकर भी सिगरेट छोड़ नहीं पाते। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अजीत अशोक भी आप सभी को हमारे लिए चाहता हूँ। चलो जैसे कि हम जानते हैं सिगरेट छोड़ना एक चैलेंजिंग टास्क है, पर ये बहुत फायदेमंद भी, लेकिन इसको छोड़ने के लिए आपको प्लानिंग, सपोर्ट और बहुत सारे स्ट्रैटेजी कंबाइन करके ही आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी और टिप्स है जो आप करके आप सिगरेट को आसानी से छोड़ सकते हो। तो पहला, खुद को तैयार करें सिगरेट छोड़ने के लिए। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करनी पड़ेगी, इस डेट के बाद सिगरेट पीने, जो आपको फिजिकली और मेंटली टाइम देता है प्रिपेयर होने के लिए इस दिन के बाद में सिगरेट पीने के। और दूसरा, क्या रीजन है जो आपको जानना होना जरूरी है कि सिगरेट मुझे क्यों छोड़ना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप छोड़ रहे हैं, पैसे बचाने के लिए छोड़ रहे हैं, या आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ये सारे रीजन जानना बहुत जरूरी है सिगरेट छोड़ना सकते। और अपना ट्रिगर जानना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, तो ये जानना जरूरी है सिगरेट की तलब आपको कम रहती है। बिना जाने आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते। जैसे सिगरेट कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग पीता है, कोई मुस्लिम पी लेता है, कोई नॉन मुस्लिम। जैसे मैं जब सिगरेट पीता था तो मेरी आदत थी सुबह होते फ्रेश होने से पहले सिगरेट पी, खाने के बाद सिगरेट पी, स्ट्रेस हो सिगरेट पी, जिम जाने से पहले सिगरेट पी, पीना शुरू करते हैं लेकिन बाद में वो एडिक्टेड हो जाते हैं और ट्रिगर मेरे माइंड को सिगरेट पीने पर मोटिवेट करता। नंबर टू, गेट सब अपने दोस्त और परिवार के लोगों को बताएं कि मैं सिगरेट छोड़ने जा रहा हूँ। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा उनकी तरफ से, जो आपको मोटिवेट और इंक्रेज करेगा सिगरेट छोड़ने में। अगर जरूरत पड़े तो आपको प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, जो आपको एडवाइस और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प करेंगे, और साथ ही वो काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, लोकल ग्रुप और ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करें जो आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प करें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग बिल्डअप होगी और आपको सिगरेट छोड़ने में मोटिवेशन मिलेगी, जिससे आप भी सिगरेट छोड़ पाओगे और आपके जो ग्रुप मेंबर होंगे वो भी सिगरेट छोड़ पाएंगे। नंबर थ्री, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी NRT यूज करें। NRT विथड्रॉवल सिम्टम और क्रेविंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प मिलती है और आप फोकस कर पाते हो सिगरेट छोड़ने। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स निकोटिन गम्स हो गए, नेसल स्प्रे हो गए, इनहेलर्स हो गए, लोंजेजेस हो गए, पैचेस हो गए, इन सारे प्रोडक्ट यूज करके आप सिगरेट को छोड़ सकते हैं। निकोटिन पैचेज होते हैं जो आपको स्किन पे लगाना होता है, जिससे आपको कंटिन्यू निकोटिन सप्लाई होता है, जिससे आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प मिलती है। निकोटिन का भी चबाना पड़ता है, जैसे आप चबाते हो ये निकोटिन रिलीज करते हैं, जिससे आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प मिलती है। निकोटिन लॉन्जेजेस ये आपके मुंह में डिजॉल्व हो जाता है, निकोटिन को रिलीज करता है, जिससे सिगरेट छोड़ने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। निकोटिन इनहेलर जैसे आप आँख से लेते हैं तो ये आपके ब्रेन पे ये अटैक करता है, बहुत जल्द निकोटिन रिलीज करता है और आपको सिगरेट छोड़ने में। नंबर फोर, कंसीडर करें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। हमेशा मेडिसिन लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपको गाइड करेंगे कौन से मेडिसिन लेना चाहिए। कुछ मेडिसिन है जैसे जीप्रेन और चैंटिक्स, ये आपको क्रेविंग्स और विथड्रॉवल सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। सिगरेट छोड़ने के दिन से 1 से 2 सप्ताह पहले लेना चाहिए। नंबर फाइव, नया हैबिट्स और रूटीन डेवलप करना चाहिए। अपने रूटीन को चेंज करना चाहिए, बेसिक रूटीन को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी के साथ सिगरेट पीने की आदत है मॉर्निंग, तो आप चाय या सुबह में जॉगिंग पे जाना चाहिए, जिससे आप अपने रूटीन को चेंज कर पाएंगे और आप सिगरेट जो आप पीते थे उससे आप बच पाएंगे, खुद को बिजी रखेंगे। जब आप बिजी होते हैं तो सिगरेट पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो आप इस तरीके से अपने सिगरेट कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते। खुद को बिजी रखने के लिए आपको दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए या जिम में एक्सरसाइज करना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करना चाहिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। मैनेज विथड्रॉवल सिम्टम्स, अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो कुछ सिम्टम्स आपको नजर आए, जैसे इरिटेशन होगी, एंजाइटी होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, भूख बढ़ेगी,
और आपको नींद है। एक शुरुआती के फर्स्ट वीक में ऐसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये कौन है, तो आप इसके लिए पैनिक ना। विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आपको हाइड्रेटेड रहना होगा, हेल्थी स्नैक्स लेने पड़ेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करना होगा, बहुत काफ़ी रेस्ट लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। नंबर सिक्स, स्टे मोटिवेटेड एंड रेजिलिएंट। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप सिगरेट नहीं छोड़ पाओगे। खुद को इंकरेज करना पड़ेगा कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, चाहे जैसे भी छोड़नी। तो उसके लिए कुछ तरीके अपना कर आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, जैसे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें, खुद को रिवार्ड करें कि आपने एक दिन सिगरेट नहीं पिया, एक सप्ताह नहीं पिया, एक महीने नहीं पिया। बेसिकली इस तरह का अचीवमेंट, एक दिन सिगरेट नहीं पिया, ये बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। तो इसको एक तरह से अचीवमेंट करो, एक अचीवमेंट जो आपको मोटिवेट करे। रेगुलरली अपने आप को रिमाइंड कराए कि सिगरेट क्यों छोड़ना चाहिए और सिगरेट छोड़ने से क्या फायदे होते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अपने लापरवाही से सीखे तो कुछ गलती होगी सिगरेट छोड़ने के लिए इस जर्नी में, तो खुद को डिस्करेज मत करें, उम्मीद मत छोड़े कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, ये आपके पर डिपेंड करता है। ये सारी माइंड सेट करिए, अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, कभी डिस्करेज नहीं, बस अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे तभी आप सिगरेट छोड़ो। नंबर एट, यूज एडिशनल रिसोर्स क्विट लाइन्स, जैसे टोल फ्री नंबर होते हैं, बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे फ्री में काउंसलिंग और सपोर्ट दिया जाता है जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। जैसे इंडिया में टोल फ्री नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 1-800-111-536, इस पर कॉल करें और फ्री में सलाह लें कि सिगरेट कैसे छोड़ें, जल्दी कॉल अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प करेंगे, जैसे आपको प्रोवाइड करेगी यूजफुल टिप्स, ट्रैक करने में हेल्प करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और मोटिवेट करेगी कि आप सिगरेट छोड़ना क्यों जरूरी है। एजुकेशनल मटेरियल्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपको सिगरेट छोड़ने में मोटिवेट, जैसे बुक्स हो गई, वेबसाइट जो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि सिगरेट आप कैसे छोड़ सकते हैं और क्यों छोड़ना चाहिए। ये टिप्स मैंने जो बताया ये अपना कर, इस फॉलो करके आप आसानी से सिगरेट छोड़ सकते हैं अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सिगरेट छोड़ने के लिए आपको कमिटमेंट, सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए, तभी आप सिगरेट छोड़ पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, साथ ही कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके पैसे नहीं होते। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।